चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के बीच जबरदस्त टक्कर होने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि इन दोनों के टक्कर से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मची हुई है। जी हां, आपको बता दें कि दोनों को रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में टक्कर होने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का बॉर्डर और सलमान खान की फिल्म रेस 3 दोनों एक साथ ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होने जा रही है। जी हां, आपको बताते चले कि सलमान खान की रेस 3 पूरे भारत में एक साथ रिलीज हो रही है, तो वहीं भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की बॉर्डर भी पूरे भारत में एक साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिल्म बॉर्डर में भोजपुरी की एक दर्जन से ज्यादा मल्टी स्टार फिल्म होने वाली है, तो वहीं रेस 3 में सलमान खान का लुक बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दोनों फिल्म के टक्कर से भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से हंगामा मच गया है। अब देखना यह है कि दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारती है, या तो फिल्म लगने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से सलमान खान का क्रेज पूरे भारत में है, तो उसी तरह जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी जलवा भोजपुरी फिल्मों में ज्यादा है। आपको बताते चले कि दोनों स्टार अभी से ही अपनी अपनी फिल्मों का जोर शोर से प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। अब देखना यही है कि ईद के मौके पर भोजपुरिया दर्शक किस फिल्म को ज्यादा पसंद करते हैं, या तो फिल्म लगने के बाद ही पता चल पाएगी।